मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को कई सौगात मिली। सीएम शिवराज सिंह चौहान देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को करीब 100 करोड़ रुपए की सौगातें उन्होंने दी हैं। सीएम ने अत्याधुनिक सरवटे बस स्टैंड का लोकार्पण किया। बस स्टैंड में एयर कंडीशन, वेटिंग रूम के अलावा चाइल्ड फीडिंग रूम और क्लॉक रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं भी हैं। करीब 11 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बना यह बस स्टैंड महाराष्ट्र की शिरडी, नासिक, पुणे, औरंगाबाद और नंदुरबार जैसे शहरों को इंदौर से जोड़ेगा। राजस्थान के कोटा, झालावाड़ जैसे शहरों को भी कनेक्ट करेगा। खास बात यह है कि रेलवे स्टेशन के पास होने की वजह से दोनों ही तरह की यात्रियों को सुविधा रहेगी। बस स्टैंड से 500 बसों का संचालन होगा। इस दौरान सीएम ने इंदौर की जमकर तारीफ की। इंदौरियन ये कहते हुए गर्व होता है और ये सरवटे बस स्टैंड उसी दिशा में, ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में कदम है। यात्री आते हैं बस स्टैंड तो आमतौर पर बस स्टैंड की जो हालत हम लोगों ने देखी है, गंदगी, कचरे का ढेर, आती हुई बदबू, खड़े होने की, बैठने की ठीक से जगह नहीं है, अलग तरह का फीलिंग्स बस स्टैंड में आके शहरों में अगर आमतौर पर चले जाए तो वैसा होता था। लेकिन सरवटे बस स्टैंड सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक बस स्टैंड के रूप में उभर के सामने आया है। ये बाकी जगह भी कैसे बस स्टैंड बने इसके लिए भी एक उदाहरण साबित हो सकता है। इसमें बेसमेंट पार्किंग के लिए भी स्थान आरक्षित है। दो पहिया वाहन कहां खड़े करने, तो कहीं भी स्कूटर खड़ा किया और फिर छोड़ने आया तो रास्ते में कतार लगी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ यात्री प्रतीक्षालय, बुकिंग काउंटर, पेयजल की व्यवस्था, यात्री सुविधा गृह, इन सबका निर्माण किया गया है। कार्यालय और पुलिस चौकी की भी व्यवस्था है। प्रथम तल पर रेस्टोरेंट, सिटिंग एरिया के साथ लाकर रूम की व्यवस्था, ये जरूरी कोई आया सामान रख के बाद में बस पकड़नी है तो अपना सामान सुरक्षित रख के चला। अत्याधुनिक सरवटे बस स्टैंड का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इंदौर को यह सौगात दी है सीएम शिवराज ने। ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं इंदौर को क्या क्या सौगात मिली है। जो बस स्टैंड का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने, उस बस स्टैंड में एयर कंडीशन की सुविधा यात्रियों को मिलेगी, वेटिंग रूम की व्यवस्था यात्रियों को मिलेगी। इसके साथ ही सरवटे बस स्टैंड पर चाइल्ड फीडिंग रूम और क्लॉक रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं भी रहेंगी। 11 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से इस बस स्टैंड का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र के शिरडी, नासिक, पुणे, औरंगाबाद और नंदुरबार जैसे शहरों को इंदौर से ये बस स्टैंड जोड़ेगा, जिसकी सौगात सीएम शिवराज ने दी है। राजस्थान के कोटा, झालावाड़ जैसे शहरों से भी ये बस स्टैंड कनेक्ट होगा। नवीन बस स्टैंड से 500 बसों का संचालन होगा। 500 बसें इस बस स्टैंड से चलेंगी और यात्रियों को सुविधा होगी, प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी। ये इंदौर को सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। बैटरी चलित वाहनों की सुविधा रहेगी। 300 स्थानों से 3000 साइकिल को किराए पर देने की योजना भी है। कई सारे सौगातें बस संचालन का, पीपीपी मॉडल, जो बस का संचालन है वो पीपीपी मॉडल के जरिए होगा। और स्वच्छ भारत मिशन और वाटर प्लस के दिशा निर्देशों का पालन इसमें किया जाएगा। 80 करोड़ रुपए की लागत के 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं इंदौर में। दोनों प्लांट की 55 MLG सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता भी रहेगी।
तो ये इंदौर को सौगात सीएम शिवराज की। नंबर वन है स्वच्छता में, तो है ही हमारा डंका बजता है, और इंदौर में जाता हूं तो मेरा मन और स्वच्छ और पवित्र हो जाता है देख के वहां की गलियां, सड़कें, वातावरण, जनता का व्यवहार। और शायद आजकल ये हो गया कि मैं कहीं भी भाषण देने जाता हूं इंदौर के नाम के बिना मेरा भाषण पूरा नहीं होता। मैं प्रदेश में बोलूं या प्रदेश के बाहर बोलूं, इंदौर आ ही जाता है, क्योंकि इंदौर ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो मेरे मन को गर्व से और आनंद से भर देता है। और इसके लिए मैं मेरे सभी जनप्रतिनिधि साथी जो सामने बैठे हैं, मैं सचमुच में उनको और इंदौर की जनता को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। अद्भुत है इंदौर, अद्भुत। इंदौर एक श्रेष्ठ और आदर्श उदाहरण है। जनप्रतिनिधि, प्रशासन और जनता तीनों के साथ मिलकर काम करने का, आजकल मैं ये कहता हूं इंदौर मॉडल लागू करो, इंदौर की तरह काम करो। लेकिन यह संकल्प है, इंदौर स्वच्छता सहित कई चीजों में आगे है, लेकिन हर क्षेत्र में नंबर वन रहे अपना इंदौर, अपना शहर इंदौर, मेरे सपनों का शहर इंदौर। और आपके साथ मिलके, इंदौर वासियों के साथ, हम इंदौर को बाकी बचे क्षेत्रों में भी नंबर वन बना पाए, उसमें मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता मैं भी इंदौरी हूं, इंदौर यंग, लेकिन सर्वटे बस स्टैंड, सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक बस स्टैंड के रूप में उभर के सामने आया। ये बाकी जगह भी कैसे बस स्टैंड बने इसके लिए भी उदाहरण साबित हो सकता है। इसमें बेसमेंट पार्किंग के लिए भी स्थान आरक्षित है। दो पहिया वाहन कहां खड़े करेंगे, तो कहीं भी स्कूटर खड़ा किया और फिर छोड़ने आया तो रस्ते में कतार लगी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ यात्री प्रतीक्षालय, बुकिंग काउंटर, पेयजल की व्यवस्था, यात्री सुविधा के इन सबका निर्माण किया गया। कार्यालय और पुलिस चौकी की भी व्यवस्था है। प्रथम दल पर रेस्टोरेंट, सिटिंग एरिया के साथ लाकर रूम की व्यवस्था, ये जब भी कोई आया सामान रख के बाद में बस पकड़नी है तो अपना सामान सुरक्षित रख के चला गया, सामान लेके कहां करूं। और इस नवीन बस स्टैंड से 500 बसों का संचालन हर दिन होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।